अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स क्लास है। उसमें सबसे पहले हम चैप्टर में स्टार्ट करेंगे टेस्ट, जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो किसकी जो है वो एग्जांपल है, किसकी टाइप है और उसकी डेफिनेशन क्या है और उसकी जो मुख्य एग्जाम्पल है वो क्या है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो वाइब्रेटरी मोशन की एग्जाम्पल है। तो वाइब्रेटरी मोशन जो उसमें देखते हैं कि वाइब्रेटरी मोशन जो होती है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट मेन पोजीशन, के किसी भी बॉडी की उसकी मेन पोजीशन की जो मोशन होती है बार बार दोहराई जाने वाली मोशन, उसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन की एक टाइप का सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब हम देख लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो है डेफिनेशन क्या है। सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर व्हेन अ नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। के सिंपल हार्मोनिक मोशन उस वक्त होती है जब बॉडी पर फोर्स लगाए तो उस फोर्स की जो मिकदार होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, के मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा जो है वो मीन पोजीशन की तरफ होगी। तो उसे हम बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। तो उसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की वो क्या है। सबसे पहले है मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, कि किसी भी बॉडी को हम मैस जो स्प्रिंग होता है उसके साथ अटैच करते हैं तो उसकी जो मोशन होगी वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होगी। बॉल एंड बाउल सिस्टम, कि अगर हम एक बॉल ले लें और एक बाउल ले लें, बॉल कहते हैं प्याले को, तो उसके अंदर अगर हम बाल रख दें तो उसकी जो मोशन होगी वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होगी। और तीसरी जो एग्जाम्पल है वो है जी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम जो है उसकी मोशन जो है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होगी। तो अब हम आज के टॉपिक में हम पढ़ते हैं पहले सबसे पहले मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। तो इसकी मोशन को हम प्रूव करते हैं कि इसकी जो मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो उसके लिए हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, उसके साथ हमने जो है वो बॉडी को अटैच किया जिसका मास जो है वो एम है। फर्स्टली क्या करते हैं कि जो बॉडी जो है वो मीन पोजिशन हो गया तो यहाँ पे जो फोर्स होगी वो जीरो होगी, क्योंकि बॉडी जो है वो डेस्क की हालत में है तो यहाँ पे जो फोर्स है उसकी वैल्यू जो है वो जीरो होगी। बाद में क्या करते हैं, ये बॉडी है जिसका मास एम है उसको हम खींच के पकड़ के खींच के लाके जो एक्सट्रीम पोजीशन है उस पर लाके रख देते हैं। तो जब हम यहाँ पे उसको छोड़ देंगे, फ्रीली छोड़ देंगे बॉडी को, तो बॉडी का वो पॉइंट बी की तरफ जो है वो मूव करेगी, वो जिस फोर्स की वजह से मूव करेगी उसे बोलते हैं डिस्टोर्डिंग फोर्स बोलते हैं। डिस्टोर्डिंग फोर्स क्या करते हैं कि किसी भी बॉडी को उसके मेन पोजिशन की तरफ धकेलती है या धकेलने की कोशिश करती है। तो बॉडी को जब हम ए पॉइंट पे लाके छोड़ देंगे तो ये बॉडी जो होगी वो पॉइंट बी की तरफ जो है मूव करेगी, और इस तरह से उसकी जो मोशन जो है वो बार बार दोहराई जाएगी, और ये जो मोशन उस वक्त तक होती रहेगी जब तक उस बॉडी पे जो लगने वाली जो फोर्स है, जो हमने फोर्स लगाई है इस बॉडी जिसका मास एम है उसकी जो वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी, उस वक्त तक ये जो मोशन है वो बार बार दोहराई जाएगी, मेन पोजिशन होगी। तो अब हम देखते हैं कि इन दिस स्प्रिंग इज अटैच आर्ट प्रेस टू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स, अगर हम जो बॉडी है उसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर दें डिस्प्लेसमेंट एक्स यानी कि एम डिस्प्लेसमेंट जो कवर करवाए फ्रॉम दी मेन पोजिशन एक एग्जैक्ट सा फोर्स, यानी कि मेन पोजिशन से हम जब उसको खेलेंगे एक्सट्रीम पोजिशन ए पे ले जाएंगे, बाद में जब इसको छोड़ देंगे तो फोर्स की वजह से क्या होगा कि बॉडी जो होगी वो मेन पोजिशन की तरफ जाकर मूव करेगी। तब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हम जो है वो बॉडी पे जो है ये हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था हुक्स का, कि जब हम किसी भी बॉडी में स्ट्रेस लगाते हैं तो उसमें स्ट्रेन पर रिड्यूस होता है। तो यहाँ पे बॉडी पे जो हम स्ट्रेस लगा रहे हैं वो है फोर्स, और जो बॉडी में जो स्ट्रेन पर रिड्यूस हो रहा है वो है जी एक्स। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम स्लैब अप्लाई कर देते हैं बॉडी को, एफ जो है एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के, जो एफ जो है वो फोर्स जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और जो नेगेटिव का साइन है यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि जिसको जो जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही होगी। तो ये हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, जब हम इसको खत्म करते हैं तो हमारे पास एक कॉन्स्टेंट आ जाता है और इक्वल का साइन आ जाता है। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट है उसे बोलेंगे ए, और इसे बोलते हैं स्प्रिंग कॉन्स्टेंट बोलते हैं। तो ये हुक्स लॉ के मुताबिक हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर जो है इसको इक्वेशन नंबर ए कह लेते हैं, वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, के यहाँ पे जो एक्स है वो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी कि ये मीन पोजीशन है तो इससे जो एक्स पे है वो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से, एंड के इज कांस्टेंट पास स्प्रिंग कांस्टेंट, और जो के है वो उसे बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, और उसको हम डिफाइन कर सकते हैं द रेशियो बिटवीन द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इसको यहां से हम ठीक करके निकाल सकते हैं
is equal to minus f over x. The value of k is measure of the stiffness of the spring. के जो k की वैल्यू होती है वो बताती है कि जो स्प्रिंग जो है वो कितना सख्त है, कितना हार्ड है. स्टिक स्प्रिंग है और वैल्यू ऑफ k कि जो जो हार्ड स्प्रिंग होगा, सख्त स्प्रिंग होगा, उसके लिए k की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी. एंड सॉफ्ट स्प्रिंग है स्मॉल वैल्यू ऑफ k और जो सॉफ्ट स्प्रिंग होगा यानी कि जो नरम स्प्रिंग होगा उसके लिए k की वैल्यू जो होगी वो स्मॉल होगी. तो अब हम यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F is equal to ma, कि जो बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो बॉडी का जो है एक्सेलेरेशन है और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बॉडी के मास के. तो यहाँ पे हम जो न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं तो F is equal to ma, तो ये हमारे पास F की वैल्यू आ गई है. तो ये इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं. तो इसकी वैल्यू जो हम करते हैं पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा k is equal to minus m a over x. तो यहां पे हम क्या कर रहे थे कि एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, तो एक्सेलरेशन जो होगा इस साइड पे आ जाएगा k x जो है इधर डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई करेगा और हम इधर मल्टीप्लाई कर रहे थे इधर आके डिवाइड करेगा. तो इसके लिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी a is equal to minus k over m x. तो यहां पे हमारे पास ये जो है वो एक्सेलेरेशन की जो है वैल्यू आ गई. तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो के है ओवर एम ये तो कांस्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे जो बॉडी है उसका जो मास है वो तीनों केसेस में सेम ही है और जो के है वो हमें ऑलरेडी पता है वो क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट. तो इसे हम कह लेते हैं ये कांस्टेंट है. अब हमें पता है कि कांस्टेंट और इक्वल का साइन हो तो उसे हम जाओ प्रोपोर्शनलिटी के साइन से जाओ रिप्लेस कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा एक्सेलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स. तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं it means that acceleration of mass attached to a spring is directly proportional to its displacement from in position. कि जो displacement होगा body जो cover करेगी उसकी जो मिकदार होगी वो directly proportional होगी acceleration के. and displacement from in position and is always directed towards the in position. कि जो जहाँ पे minus का जो sign है वो ये indicate कर रहा है कि जो acceleration की जो direction होगी वो हमेशा जो है वो directed होगी मीन पोजीशन की तरफ होगी. तो यहां से बता सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो ये आज का बड़ा टॉपिक था जिसमें हमने ये प्रूव किया कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होती है किसी भी जो बॉडी उसका मास एम होगा वो स्प्रिंग के साथ रहता है क्योंकि इसकी भी जो मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है. अब हम बताते हैं कि जो टाइम पीरियड है कि ये जो बॉडी है उसने कितना टाइम लिया है मीन पोजीशन से ए पे जाने के लिए बाद में ए से बी पे जाने के लिए. तो उसका फार्मूला हम इस फार्मूले से जो है वो फाइंड आउट करते हैं. टाइम पीरियड डी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के. इसका जो प्रूफ है वो आपको 11th क्लास की फिजिक्स में जो है मिल जाएगा. तो यहाँ पे हमने इसका फार्मूला यूज करना है. यही आज का हमारा टॉपिक.